बेसिकली जहाँ से आज का हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो है, ये तो हमारा कंटेंट है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। हम जो हमारे पास जो हमने स्टडी आउट कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम ही मैं इस पर कुछ रिव्यू दिया था, कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज मैं जस्ट क्योंकि इसके साथ अभी चैप्टर ये कंटिन्यू है तो मैं इसके साथ अपना जो कंटेंट है वो साथ साथ रिपीट रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर में मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, जिस तरह आपको ये डिफाइन हो रहा है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर। इसका मैंने आपको बताया था कि मतलब इसका ये है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो इस आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व हैं, और उसको इस बात के बारे में, इस बारे में भी जानना कि वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और आपस में वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये इस लाइन में कवर होता है। हमने आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम डिफाइन इट्स स्ट्रक्चर, अबाउट इट्स कंपोनेंट, अबाउट इट्स फंक्शनैलिटी, अबाउट इट्स रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। नेक्स्ट मैंने आपको इससे कंटिन्यू करवाया था कि इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं, मेजर मेजर आर्किटेक्चर हैं जो डिस्कस हमने किए। वो एक था पीयर टू पीयर, सेकंड था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, थर्ड है मल्टी डेटाबेस। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम फर्दर ब्रीफली स्टडी करेंगे, और लेकिन उससे पहले मैंने मूव किया था कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, लेकिन मैंने आपको एक बताया था कि हम इससे पहले पुरानी जनरलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि उसका आर्किटेक्चर कैसे होता था। हम स्टार्ट डेटाबेस से, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो डेटाबेस से हुआ था, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आए थे, तो जाहिर सी बात है तो हमें उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थोड़ा बहुत रिव्यू होना चाहिए। जैसे कि आपको स्लाइड में शो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन जो फॉर्मेशन है वो क्या है, ये बेसिकली बात कर रहा हूँ, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको इसमें यह था कि हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको हम छोटे छोटे मैनेजमेंट पीसीस में, उस स्टैंडर्ड में डिवाइड कर देना। उस स्टैंडर्ड में कौन कौन से हैं, वो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डील आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट बेस, सेकेंड वन इज फंक्शनल बेस, और थर्ड वन इज डेटाबेस। इसको मैंने डिटेल फॉर्म में आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में बताया था, कंपोनेंट बेस क्या होते हैं, कंपोनेंट बेस के ही वाले से उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बाद उसके फंक्शन बेस के ही वाले से उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके साथ साथ इनके जो लास्ट डेटा बेस के ही वाले से उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये उनके आपके इस स्टैंडर्डाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पॉइंट आउट है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकली, जो जहाँ से आज हमने अपना स्टार्ट लेना है, जैसे कि लास्ट मैंने आपको रिव्यू कराया, क्योंकि इसलिए रिव्यू करवाया कि वो इसके साथ अटैच है। प्रैक्टिकली हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिकली के हिसाब से ये है कि जो एस्पेक्ट्स जो हम स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, उनके जो तीन कंपोनेंट्स है उनको एज कंसीडर किया जाता है, हर एक्सपेक्ट के हिसाब से उसको कंसीडर किया जाता है। अब हर एक्सपेक्ट के हिसाब से उसको किस तरह कंसीडर किया जाता है, उसकी रीजन ये है कि मतलब कहने का ये है कि दीज क्लासिफिकेशन, मतलब वो तीन क्लासिफिकेशन जो हमने पीछे कंपोनेंट बेस पढ़ी, फंक्शन बेस पढ़ी और डेटा बेस पढ़ी, वो तीनों क्लासिफिकेशन जो है एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि ऑन सेम टाइम पर तमाम के तमाम थ्री स्कीमा इन्वॉल्व होते हैं और सेपरेटली अपना अपना काम कर रहे होते हैं।
मतलब समझ आ गया कि जो ये तीन किस्म की क्लासिफिकेशन है, कंपोनेंट बेस्ड स्टैंडर्डाइजेशन की, फंक्शन बेस्ड और डेटा बेस्ड, ये अपने अपने वक्त में दो तीनों स्कीमा जो है इन्वॉल्व होती हैं किसी भी टास्क में, किसी भी आर्किटेक्चर में जो हम डिसाइड करते हैं, और उस साइड में ये आपस में इनका रिलेशनशिप है, लेकिन ये सेपरेटली अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, कमेटी एक बनी थी इस टास्क के लिए, जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिकल वर्क है ना, कमेटी एक बनी थी टास्क के लिए जो एस्टेब्लिश हुई थी 1972 बाय आंसी अंडर द स्पार्क। आंसी का सबको मालूम है, लेकिन स्पार्क का स्टैंड फॉर है स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। इसने ये टास्क को एस्टेब्लिश किया था, ये जो स्टैंडर्ड थे DBMS के, और इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास पब्लिश हुआ था, ये जो फर्स्ट रिपोर्ट सबमिटेड हुई थी ना वो 1975 में हुई थी, फिर उसके बाद सेकंड रिपोर्ट आई थी 1971 में। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1975 में। सेकंड रिपोर्ट आई थी 1977 में, लेकिन सेकंड ईयर जो रिपोर्ट आई थी 1977 को, वो आर्किटेक्चर जो DBMS आर्किटेक्चर वो फाइनलाइज्ड हुआ था, और उसकी वजह से उसका नेम रख दिया गया आंसी स्पार्क DBMS फ्रेमवर्क। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ये टास्क कमेटी ने एस्टेब्लिश किया था, किसने कब किया था? आंसी अंडर द स्पार्क 1972 में। लेकिन ये दो रिपोर्ट बनी, एक बनी 1972 में और एक रिपोर्ट बनी 1977 में। 1975 वाली रिपोर्ट एज इट इज रह गई, लेकिन 1977 में मोस्ट इम्प्रूवमेंट के साथ वो एस्टेब्लिश हो गई और उसका नेम रख दिया गया आंसी स्पार्क DBMS फ्रेमवर्क। और आज भी हम इसके कॉन्सेप्ट के, इसके आर्किटेक्चर को, 1977 के आर्किटेक्चर को आज भी हम यूज कर रहे हैं। एक बात, अब इसका हम व्यू देख लेते हैं रेफरेंस। अगर हम DBMS, अभी भी मैं DBMS के जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में स्टडी आउट करवा रहा हूँ। रेफरेंस मॉडल, ये मॉडल एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी तक हम जितने भी स्टैंडर्ड हैं, पिछले जितने भी स्टैंडर्ड हैं, ये स्टैंडर्ड जो है आज भी बेस के तौर पर आज भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी एक्सेप्टेंस मौजूद है। ये बेस करता है रेफरेंस मॉडल तीन लेयर्स पर, थ्री लेयर्स पर इसकी बेस्ड है। टॉप मोस्ट लेयर्स, ये टॉप मोस्ट लेयर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्कीमा। सेकंड लेयर मिडल, मींस मिडल लेयर इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एंड लास्ट वन इज इंटरनल स्कीमा। और मैं जो हम इंटरनल जो व्यू है ना, उसको स्कीमा भी कहते हैं। व्यू को एज रिप्रेजेंटेड स्कीमा कहा जाता है, और स्कीमा का मतलब है मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल व्यू, वो हमारे एंड यूजर होते हैं, जो हम एक आम पर्सन जिस सिस्टम को यूज कर रहा है, जो यूजर होते हैं उसको एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल व्यू या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो के बेस करता है वो तमाम डेटाबेस की डेफिनेशन पर, ओवरऑल डिजाइन पर, या इसको मैं सबसेट भी कह सकता हूँ कॉन्सेप्चुअल व्यू को, मेन मिडल पार्ट। और लास्ट पर जो है वो है इंटरनल स्कीमा। जैसे कि आपको एग्जांपल्स में, आपको रेफरेंस मॉडल के स्क्रीन पर स्लाइड में मेंशन है, इंटरनल स्कीमा जो के बेस करता है कि हम कंप्यूटर में वो फलां डेटा जो हम जिस पर काम कर का रहे हैं उसको स्टोर कैसे करेंगे, इसका काम ये होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो बेस करता है, वो
डिफरेंट भी हो सकता है, जाहिर सी बात है यूजर डिफरेंट होंगे तो स्कीमा भी डिफरेंट होगा। तो इस हिसाब से मेरी बात करने का मकसद ये है कि आपके पास जो इंटरनल व्यूज या इंटरनल स्कीमा है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट किस हिसाब से हो सकता है, उसकी रीजन ये है कि आपके पास यूजर के डिफरेंशिएट के मुताबिक वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बारे में अगर सोचा जाए तो वो बेस करता है आपका DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के भी आपको अच्छी भली इसमें नाउ हाउ है, क्योंकि आप डेटाबेस में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि एडमिन करना, एडमिन का काम ही ये होता है कि सारे डेटाबेस के सिस्टम को मैनेज करना। ठीक है। और जो हमारा लास्ट है जिसको इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं, उसको हम मेनली ये कहते हैं कि वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट ये रेफरेंस मॉडल था, अब इस रेफरेंस मॉडल का जो ये है कि मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ दिस आर्किटेक्चर मींस दिस रेफरेंस मॉडल इज डेटा इंडिपेंडेंट। अब डेटा इंडिपेंडेंट का मैंने आपको बताया था कि डेटा और प्रोग्राम आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, कि अगर डेटा में किसी किस्म की कोई चेंजेस आती है तो प्रोग्राम पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसी तरह अगर प्रोग्राम में कोई हम चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट डेटा पर नहीं पड़ता, इसको डेटा इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो इस रेफरेंस मॉडल का सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है वो यही है कि ये डेटा इंडिपेंडेंसी शो करता है। लेकिन अगर इस आर्किटेक्चर में DBA को देखा जाए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी मैंने बोला, इसका जो मेन कंसर्न है या तमाम का तमाम जो कंसर्न है ना वो एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये था रेफरेंस मॉडल जिसका मैंने आपको स्टडी आउट करा दिया और ये बेस कर रहा है हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं। अभी उसी को कंटिन्यू रखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस है जो के एक्स्टेब्लिश हुए थे ANSI Spark आर्किटेक्चर जिसको बोला था, इसमें बेसिकली होता ये है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल स्कीमा का। ठीक है, ये भी आप डिटेल फॉर्म में लिख सकते हैं उसी में रेफरेंस मॉडल में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल स्कीमा। नाउ एंटरप्राइज इसी तरह अगर आपके जो इमेज में या आपके कुछ डायग्राम में अगर किसी किस्म के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अगर कोई काम कर रहा है वो आपके इंटरनल स्कीमा के अंडर होंगे, क्योंकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल को मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो एंटरप्राइज एडमिन होते हैं वो बेस करते हैं और उनका जो कंसेप्ट होता है और वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कंसेप्चुअल स्कीमा के ऊपर होते हैं। थर्ड वन जो बेस है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर आपके डायग्राम में कहीं शो हो तो वो बेस करते हैं एक्सटर्नल स्कीमा पर। ठीक हो गया। अब मे बी इसमें हो सकता है कि आपके जो मे बी आर सेम पर्सन, इसका मतलब क्या है कि आर्किटेक्चर बेसिकली डिफाइन करता है उनके रोल्स, लेकिन अगर ये मैनेज अगर ये आर्किटेक्चर बेसिकली उनके रोल्स को डिफाइन करता है लेकिन ये मैनेज हो सकता है या तो डिफरेंट पर्सन के साथ या मैनेज किया जाता है इसको या सेम पर्सन के साथ। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर कि वो इनको कैसे टैकल करती हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं वो डिमेंशंस फॉर अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो DBMS से हम आर्किटेक्चर को हम रीड आउट कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर पर होगा
और इसकी जो अगर इसकी हम स्टडी आउट करते हैं तो इसका मेंशन मैं यही करता हूं कि ये तीन डायमेंशन पर इसका कंसिस्ट होती है। नंबर वन ऑटोनॉमी, नंबर टू डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर थ्री हेट्रोजेनिटी। आपके फर्स्ट वन में ऑटोनॉमी में इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं और उसकी आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन। लेकिन जो थ्री किस्म की डायमेंशन है वो मैं पहले मेंशन आउट कर चुका हूँ। पहले को ऑटोनॉमी कहते हैं, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और तीसरे को हेट्रोजिनिटी कहते हैं। और ये जो तीन फैक्टर्स हैं दे आर मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, बहुत ज़्यादा अहम रोल करते हैं, किरदार अदा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑटोनॉमी को देखते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि डिग्री टू विच मेंबर्स डेटाबेस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। इसका जो मेंबर्स डेटाबेस का मैंने जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि वो तमाम डेटाबेसेस जो मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट को बनाती हैं उसको मेंबर्स डेटाबेस कहा जाता है। दोबारा इसकी जो एटोनॉमी का बता दूं, डिग्री टू विच मेंबर डेटाबेस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब इसका यह है कि मेंबर्स डेटाबेस अपने टास्क को किस तरह ऑपरेट करेंगे, क्या वो अपने फैसले लेने में इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो ऑपरेट करने में भी इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो अपनी प्रोसेसिंग करने में भी अपना जो रोल है वो क्राइटेरिया जो है वो रोल अदा करते हैं कि नहीं करते, ये ऑटोनॉमी में आता है। नेक्स्ट, इसकी ऑटोनॉमी के साथ मैंने आपको बताया इसकी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है डिजाइन ऑटोनॉमी, सेकंड वन है कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी, थर्ड वन है एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी। अगर मैं फर्स्ट डिजाइन ऑटोनॉमी के हवाले से आपको एक्सप्लेन करूं, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिजाइन के हवाले से किसी पर्टिकुलर साइट पर उस डिजाइन के थ्रू कितनी उसको अथॉरिटी है, कितनी उसको आजादी है कि वो अपने डिजाइन को ऑटोनोमस कर सके, खुद मुख्तियार हो सके, उसमें उसको कितनी आजादी है। यही ऑटोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो डिजाइन के हवाले से ऑटोनॉमी, कम्युनिकेशन के हवाले से ऑटोनॉमी, एग्जीक्यूशन के हिसाब से ऑटोनॉमी, साथ तो मैच यही होगा। तो डिजाइन ऑटोनॉमी का ही मैंने आपको ये बताया कि डिजाइन के हवाले से अगर किसी किसी ना किसी जो जाहिर से बात है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स मुख्तलिफ साइट से इन्वॉल्व होती हैं, तो हमने डिफाइन करना है कि फला पर्टिकुलर साइट पर उसमें जो डिजाइन का व्यू है या डिजाइन का जो आर्किटेक्चर है, डिजाइन का जो ऑटोनॉमी बेस्ड है, वो आया कि वो अपने डिजाइन को सिलेक्ट करने का या उसको इस्तेमाल करने का या उसको मैनेज करने का खुद मख्तियार है, उसको इतनी आजादी है कि वो अपने डिजाइन ऑटोनॉमी के हिसाब से पर्टिकुलर साइट पर काम कर सके। सेकंड विच, और इसमें ये भी आता है कि कौन सी लैंग्वेज उस इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करना, ये डिजाइन ऑटोनॉमी में ही आता है। सेकंड पर कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी में इसका मतलब ये है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी शेयर, कि किस किस्म का डाटा हमें शेयर करना है, लेकिन फुली नहीं डाटा शेयर कर सकते क्योंकि वहां पर आपकी पर्सनल अथॉरिटी भी आ जाती है, ऑथेंटिकेशंस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी के हिसाब से ये है कि आप अपना डाटा को किस किस्म का डाटा वहां पर शेयर कर सकते हैं ऑटोनॉमी में, नॉट फुली, बिकॉज उसकी वजह ये है क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है और पर्टिकुलर साइट पर ही आप कोई काम ऐसा कर सकते हैं, ऑल साइट पर ये काम नहीं कर सकते।
कुछ प्राइवेसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से अगर वो चीज़ें हम ओपनली करने लग गए तो उससे हमारे अपने टास्क में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। अब आपको कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी का नाउहाव होगी, डिज़ाइन ऑटोनॉमी की भी नाउहाव होगी। मैं तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा ताकि आपको इसके बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। लास्ट जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप्स ऑफ द ऑटोनॉमी, वो है एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी। अब कंपोनेंट डेटाबेसिस, जो भी कंपोनेंट्स हैं डेटाबेसिस के, उनको इख्तियार होता है कि वो किस टाइम पर अपने सिस्टम को डाउन कर सकें, अप कर सकें या बैकअप ले सकें। इस डिसीजन को एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी कहते हैं। डिजाइन के हवाले से उसको कितनी अथॉरिटी है, ये डिजाइन ऑटोनॉमी में डिफाइंड है। उनको डेटा जो कम्युनिकेशन का है वो कितना शेयर करना है पर्टिकुलर साइट पर, वो कम्युनिकेशन ऑटोनॉमी है। क्योंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, ये लाजमी अपने माइंड में रखें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उससे एडवांस लेवल जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, उसको हम स्टडी आउट करें। तो उसमें जो थर्ड टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमी है वो एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि जो डेटाबेसिस के कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये अथॉरिटी होती है कि किस टाइम पर अपने सिस्टम को डाउन करना है, अप करना है या उसका बैकअप लेना है। इस किस्म का जो डिसीजन लिया जाता है वो एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमी में लिया जाता है। नेक्स्ट, अब ऑटोनॉमी के साथ इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? नंबर वन क्लासिफिकेशन ये है कि आपके पास इस क्लासिफिकेशन में नंबर वन है टाइट इंटीग्रेशन, नंबर टू है सेमी ऑटोनॉमस, थर्ड वन है टोटल आइसोलेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमी में सबसे पहला टाइट इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सिंगल यूजर को, यूजर जो है अपना डेटा को कॉमन, सिंगल कॉमन व्यू की तौर पर सिर्फ देख सकता है या हासिल कर सकता है, उसको कहते हैं टाइट इंटीग्रेशन। कि सिर्फ यूजर जो है वो कैन गेट टू सी ओनली अ सिंगल कॉमन व्यू, कि एक यूजर ही सिंगल कॉमन व्यू के हिसाब से अपना डेटा को गेट कर सकता है। तो और ये सोचता है और थिंक अबाउट, इस बारे में ये सोचता है कि दैट कंपोनेंट डेटाबेसिस डिड नॉट एग्जिस्ट। उसको यही लगता है कि जो कॉमन व्यू मुझे नजर आ रहा है, बाकी के जो कंपोनेंट बेसिस हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो ये एक लैक भी टाइट इंटीग्रेशन का, ये जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, वो यही है कि मीन यूजर कैन गेट ओनली सिंगल कॉमन व्यू एंड थिंक अबाउट दैट कंपोनेंट डेटाबेसिस डिड नॉट एग्जिस्ट। सेकंड में सेमी ऑटोनॉमस, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंपोनेंट डेटाबेसिस मौजूद हैं, डिफरेंट डेटाबेस कंपोनेंट डेटाबेस इन्वॉल्व हैं और वो बेसिकली अपने डेटा को इस तरह मेंटेन कर रहे होते हैं, बेसिकली वो मेंटेन अपने डेटा को इस तरह कर रहे होते हैं और ऑन द सेम टाइम दे डिसाइड टू शेयर डेटा टू फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट। सेमी ऑटोनॉमस में कुछ ना कुछ तो डेटा शेयर होगा, उसमें यह है मीन्स दे आर डिफरेंट कंपोनेंट डेटाबेसिस एंड दे बेसिकली मेंटेन ओन डाटा, ओन अपना ही डाटा को मेंटेन कर रहे होते हैं ऑन एंड एट द सेम टाइम दे डिसाइडेड टू शेयर द डाटा टू फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट। आई थिंक आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। लास्ट वन है टोटल आइसोलेशन। क्लासिफिकेशन ऑटोनॉमी में टोटल आइसोलेशन है, वो बेस करता है कि
आइसोलेशन कहते ही तन्हे को है, इंडिविजुअल। टोटल आइसोलेशन मींस जो आपका इंडिविजुअल सिस्टम होता है ना, वो अलोन सिस्टम समझा जाता है। और इवन दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर एग्जिस्टेंस, और उनको पता नहीं होता कि अपनी इनकी क्या मौजूदगी है, अपने अलावा दूसरों की इनकी क्या एग्जिस्टेंस मौजूद है। दे डिड नॉट इवन अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अदर एग्जिस्टेंस। तो इस हिसाब से इनका जो डेटा शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफिकल्ट हो जाता है टोटल आइसोलेशन। ये क्लासिफिकेशन थी ऑटोनॉमी में। बेसिकली ऑटोनॉमी जो हम स्टडी ऑफ कर रहे हैं उसमें बेस यही है कि जो मेंबर्स डेटाबेसिस है उसको हम अपने ऑपरेशनल वर्क में कितना यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट तौर पर उसको किस तरह उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका ये है। तो बताने का मकसद और मेंशन आउट करने का मकसद, आज हम ऑटोनॉमी डिमेंशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर में हम आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ऑटोनॉमी, उसकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन जो हम आज जो हम पा रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एनवायरनमेंट हम जो रीड आउट कर रहे हैं उसमें इस तमाम क्राइटेरिया को जहां तक हमने कुछ डिस्कस किए और इसके साथ साथ जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब तक ये आर्किटेक्चर का अभी कंटिन्यू है कंटेंट, तो इस मामलात में हमने कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी स्टडी आउट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डेटाबेस की जो ये डायमेंशन का दो पार्ट अभी रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हेटेरोजेनिटी।